ग्लोबल वार्मिंग विल बी अ चैलेंज टू द सोसाइटी, ये बात हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता थी, इसलिए उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल में इसका हल पहले से ही इनकल्केट कर दिया था। कैसे कि जो श्राद्ध के दिन है, ये जो पितृपक्ष के दिन है, इसमें कौवे को भोजन कराएं। कौवे को भोजन कराएं, उससे क्या होगा? कौवे पीपल और बड़ के पेड़ पर बैठते हैं और जब वो उसका छोटी छोटी कलियां निम्बोरी होती है, जब वो खाते हैं तो उनके पेट में प्रोसेस होता है, और जब वो प्रोसेस होता है तो जब वो बीट करते हैं तो उस बीट में ऐसा बीज पैदा होता है जो जमीन में अपने आप पीपल और बड़ के पेड़ लगा देता है। और ये पीपल और बड़ एक ऐसे पेड़ हैं जो रात और दिन ऑक्सीजन देते हैं, दिन में भी और रात में भी। बाकी सारे पेड़ दिन में देते हैं पर ये रात और दिन देते हैं। ये बात हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने फाइंड कर ली थी। कौन सी लेबोरेटरी, कौन सा साइंटिस्ट, विद इन देमसेल्व्स बाय डूइंग देयर साधना, अपने अंदर उन्होंने ये ढूंढा और फिर लाइफस्टाइल में डाल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, कि बड़ और पीपल के पेड़ ऑटोमेटिकली लगते रहे। इसीलिए बोला कि श्राद्ध में अगर कौओं को भोजन कराएंगे तो वो पितरों को मिलेगा, आपके एंसेस्टर्स को मिलेगा। नहीं, इसके पीछे एक साइंस है कि ये कौवे वो 365 में से वो 15 दिन उनके रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, और इसलिए उनको अगर अच्छा भोजन कराया जाएगा तो वो अच्छे बच्चे पैदा करेंगे, स्ट्रॉन्ग उनकी जनरेशन बढ़ेगी, कौवे और बढ़ेंगे। नहीं तो कौवे का रंग रूप आपने देखा, इनको कौन पालेगा, कौन पूजेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा? इमेजिन द साइंस नोन देन, कि उन्होंने वो 365 में से 15 दिन भी फाइंड कर लिए कि कब इनका रिप्रोडक्शन टाइम होता है, उन्होंने ये भी फाइंड कर लिया कि ये बड़ और पीपल पे बैठते हैं, उन्होंने हजारों लाखों पक्षियों में से भी फाइंड कर लिया कि कौवे जब ये खाते हैं इसकी निम्बोरी, इसका बीज, तो एक बीज पैदा करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली पीपल बढ़ लग जाता है। उन्हें मनुष्य के जीवन की कितनी चिंता थी, निरोगी काया की, और मनुष्य इस धरती पे सर्वाइव करते रहे उसके लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर दिया। इसलिए इस पितृपक्ष में, इन श्राद्धों में हम सबका धर्म बनता है कौओं को भोजन कराने का, उनके बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए, हमारी धरती माँ को, पृथ्वी माँ को बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग टू फिनिश द अर्थ सून, जाग जाइए।